जब सरकार ये दावा करती है कि दुनिया की पांचवीं अर्थव्यवस्था और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो किसान क्यों दुखी है, किसान क्यों संकट में है, तो इतने बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार क्यों हैं, नौकरी क्यों नहीं उनके हाथ में? भाजपा के लोगों ने क्या किया है इमरजेंसी में, जो लोग जेल में रहे? मैं कह चुका हूं कि उन्हें ये लगा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेने गए थे तो प्रणाम नहीं किया था, हो सकता है इसी वजह से उनकी भावना इस तरह की आई हो कि हटे। हम ही अगर ये बात पूछें कि सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लगाने के लिए क्या दिक्कत है, सरकार का भाषण था और जब सरकार ये दावा करती है कि दुनिया की पांचवीं अर्थव्यवस्था और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो किसान क्यों दुखी है, किसान क्यों संकट में है? अगर ये पांचवीं दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने की जो कहानी बताई जा रही है, क्या हमारा किसान भी उसी तरीके से खुशहाल हो गया है? और फिर अगर पांचवें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था है, तो इतने बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार क्यों हैं, नौकरी क्यों नहीं उनके हाथ में, और फिर अग्निवीर जैसी व्यवस्था आधी अधूरी क्यों लागू करनी पड़ रही है, महंगाई क्यों है इतनी, और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए थे, सरकार कहती है कि हम सर्विस सेक्टर को भी और इन्वेस्टमेंट को भी देख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट है कहाँ? अगर इन्वेस्टमेंट होता तो हमारी और ग्रोथ दिखाई देती। कुछ लोगों की ग्रोथ से देश की ग्रोथ नहीं हो सकती है, कुछ लोगों की ग्रोथ से तो हमारा नंबर अच्छा हो सकता है, हम पांचवें नंबर की व्यवस्था बन सकते हैं, लेकिन हमारे देश का किसान, गरीब और जो अभी तक 10 साल में सबसे ज्यादा उत्पीड़ित हुआ है, उसके लिए क्या है सरकार का? और बाकी बातें हम लोग सदन में कहेंगे। किसने इमरजेंसी का? ये सवाल भाजपा के लोगों ने क्या किया है इमरजेंसी में, जो लोग जेल में रहे? समाजवादियों ने तो उन्हें सम्मान दिया, वेतन दिया और भी सुविधाएं दी, क्या ये सरकार सुविधाएं दे रही है? सुविधाएं दी होती, उनका सम्मान दिया होता तो शायद बात की होती तो अच्छा लगता है। देखिए, मैं कह चुका हूं कि उन्हें ये लगा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेने गए थे तो प्रणाम नहीं किया था, हो सकता है इसी वजह से उनकी भावना इस तरह की आई हो कि हटे। और कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, हम ही अगर ये बात पूछें कि सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लगाने के लिए क्या दिक्कत है? अखिलेश, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण, जाने दो, उन्होंने जाने दो, की बात जाने दो, जम्मू कश्मीर में संविधान, जब सरकार ये दावा करती है कि दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो किसान क्यों दुखी है, किसान क्यों संकट में है? तो इतने बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार क्यों हैं, नौकरी क्यों नहीं उनके हाथ में? भाजपा के लोगों ने क्या किया है इमरजेंसी में, जो लोग जेल में रहे? मैं कह चुका हूं कि उन्हें ये लगा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेने गए थे तो प्रणाम नहीं किया था, हो सकता है इसी वजह से उनकी भावना इस तरह की आई हो कि हटे। हम ही अगर ये बात पूछें कि सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लगाने के लिए क्या दिक्कत है?